रूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथनितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखनितान सब ओम ज्ञान तिमिरं धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः नामयं गुरुदेवाय धीमते सममूर्तये श्री श्रीमद् भक्ति श्री रूप सिद्धांति प्रभव श्री महात्मने नामयं विष्णु पादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण इति नामिने नामयं विष्णु पादाय आचार्य सिंह रूपिणे श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव इति नामिने अतिमर्थ चरित्राय स्वाश्रिता नंच पालिने जीव दुखे सदात्राय श्री नाम प्रेमदायिने नामयं विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने श्री वार्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्वये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः माधुर्य जल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्तुते नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणी श्री रूपानुग विरुधाव सिद्धांत दंत हारिणी नमो गौरकिशोराय साक्षात वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर सम्बोधे पादपूजाय ते नमः नमो भक्तिविनदाय सच्चिदानन्दनामिने गौरशक्तिस्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरावीर्भावमिष्टं निर्दिष्टास्वजनप्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रददेवी सत्यवत्यै नमो नमः जयतां सुरतरुपङ्गोर्मम मन्दमतिर्गति मत्सर्वस्वपादम्भुजौ श्रीराधा मदन मोहनो दिव्यद वृन्दारण्यकल्पद्रुमाध श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थौ श्री श्री राधा श्रीलघुगोविन्ददेवो पृष्ठलिभिर्सेवमान स्मरामि श्रीमान रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षण वेणुसुनिर्गोपी गोपीनाथ श्रीहस्तु न श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवसदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे दावनाळा साम संसार दहने दग्ध जीवाकुल उधर कारणे अब आवारिद कृपा वारी दाने बद्ध से गुरु शरण श्रीहरि कीर्तने राहे न मगन महामतमने रोमांचकं पासो हरे गौ
Thank you.
बजा कर सीखोगे एकदम मृदंग छोड़ना नहीं कभी, ऐसे बजा रहे ना पीछे पीछे बजा मृदंग हर समय रखा नहीं है ना, और क्या वो जो बजाएगा पीछे पीछे बजा तब सीखोगे, रोज प्रैक्टिस करने के लिए अभी सुविधा में सीख सकता था। हाँ इसलिए जितना हो सके पूरा कोशिश करो, पूरा पूरा उसको अंदर डूब जाओगे तब तो सीखोगे, ठीक है ना, एकदम पूरा दिन में दो दो घंटा एकदम दादी ना कर ताकत है पूरा। हाँ और मृदंग ले लो ले गाओ गाओ उसको गाओ बस तो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु Yeah.
साथ साथ तुम बैठा बजा गोरा चांद Yeah.
Bye.
बढ़िया बजा रहे हैं अभी, प्रैक्टिस कर रहा कि नहीं करता ना, प्रैक्टिस कर रहे इस समय, वो भी है अभी, प्रैक्टिस करके दो चार बॉल सीख लो काम चल जाए। इसलिए कीर्तन में हाथ, जैसे कीर्तन हो ना, नहीं इसीलिए जैसे कीर्तन होता है, जैसे हाँ सीखता रहे, सीखा हाँ कीर्तन उन्होंने सीख लिया, लेकिन कीर्तन के साथ में बजाना पड़ेगा, कीर्तन के साथ में बजाना पड़ेगा। हाँ बोलो गदर। राधा कृष्ण प्राण मोरा युगल किशोर, राधा कृष्ण प्राण युगल किशोर, I'm not afraid.
इसको इसको जब ज़्यादा टाइट नहीं करना है, कौन टाइट करते हैं ये इसमें पेच खराब हो जाता है। इधर राधे जय जय, राधे जय जय, नहीं आते ना धुन नहीं, अरे धर तुम धर, जय राधे जय Oh, yeah.
तद्भक्ताय नमो नमः वाञ्छाकल्पदर्भस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः वदनाय कृष्णप्रेमप्रदाय ते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाये तुलसी देवै प्रिया ऐ केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदेवी सत्यवते नमो नमः श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्त वृंद बल हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 बल हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव नितलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोदर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग एक दिन पहले श्रवण किया था, क्या श्रवण किया था? लास्ट में आगे थे। हाँ। किसका? मनु महाराज। इसलिए जब पितामह ब्रह्मा जी अभी सृष्टि करने के लिए सोच रहे हैं, चिंता करते ही गत ब्रह्मा का जो मूर्ति दो अंश में विभक्त हुआ है, दो अंश में विभक्त किया हुआ, उनके दाहिनी अंग से श्री मनु महाराज और बाम अंग से श्री शत्रुपा जी जन्म हुए। उसके बाद में उन्होंने यहीं से फिर यह मैथुन सृष्टि यहीं से शुरू हुई, इसलिए उनसे उत्थान प्रत और प्रिय व्रत दो पुत्र हुए और आकुति देहति प्रसूति ये तीन बेटी हुए। कहते इसी से ही कहते जो जगत है यहीं से संपूर्ण रूप में परिपूर्ण हुआ है। इसलिए हम लोग सब के सब श्री मनु महाराज से हुए, इसलिए हमको कहते हैं मानव कहते हैं। कहते यहाँ पर श्री मनु और शत्रुपा की शादी विवाह हुआ। विवाह होने का बाद इन्होंने पितामह ब्रह्मा से बोले हमारा क्या कर्तव्य अभी? तो उसको सुनते ही ब्रह्मा जी बोले आपका एक ही कर्तव्य है, भगवान का इच्छा ये सृष्टि धीरे धीरे बढ़े, इसलिए आप धीरे धीरे ये सृष्टि को धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। उन्होंने आदेश को पा करके अभी सृष्टि करेंगे तभी कोई स्थान तो होनी चाहिए ना। उस समय देखा कि पूरा पृथ्वी जलमग्न है, पानी पानी, फिर वो सृष्टि कहाँ से कैसे करेंगे? इसलिए ब्रह्मा जी को बोले पहले तो ये पृथ्वी को उद्धार करो तभी तो जा करके हम सृष्टि करेंगे। इतने में ब्रह्मा जी हैं उद्धार का चिंता करते हुए उन्होंने अपना नासिका से एक अंगुष्ठ परिमाण
एक प्राणी कौन श्री बराहदेव प्रकट हुए अंगुष्ट परिमाण, और देखते 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 उन्होंने विशाल काय धारण किया होकर के उन्होंने गर्जन करने लगे। जितना देवता लोग भगवान की स्तुति किए इतने में श्री बराहदेव पानी को अंदर में छलांग लगाए हैं, छलांग लगा करके जो पृथ्वी थी उन्होंने पृथ्वी को उन्होंने उत्तोलन किया। उत्तोलन करते हुए पृथ्वी को उन्होंने धुरी पर स्थापन कर दिए। जब धुरी पर स्थापन की इतने में, लेकिन जब अंदर में उन्होंने प्रवेश किए उसी समय में उन्होंने हिरण्याक्ष को भी उन्होंने वध किया है। फिर जब उन्होंने पृथ्वी को धुरी पर स्थापन की फिर मनु महाराज ने सृष्टि करना प्रारंभ किया। जब इतना बोले तब श्री विदुर जी मैत्रेय प्रश्न करते हैं, क्या प्रश्न करते हैं, कहते हैं आप कृपा करके ये बराहदेव की जो कथा है ये बराहदेव क्यों प्रकट हुए, ये बराहदेव कौन है, फिर ये हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप है कौन, आप ये थोड़ी कथा को आप हमें विस्तृत पूर्वक हमें वर्णना करो। जब प्रार्थना किए इतने में उन्होंने प्रार्थना किया, ठीक संध्या का समय में जो दिति बड़े सुंदर अपना श्रृंगार करके शीशा को सामने खड़ी हो गई, शीशा के सामने खड़ी होकर श्रृंगार करती हैं। अभी अपना रूप को तो राजकुमारी देखने में बड़ी सुंदर दिति, जब अपना उसने रूप को देखा अपना रूप को देखकर काम में एकदम आतुर हो गए। आतुर होकर के उनका जो पति श्री कश्यप जी से उन्होंने प्रार्थना किया मिलने के लिए, लेकिन कश्यप ने मना किया, बोले देख दीति ये जो समय है शंकर जी अपना भूत पिशाच को लेकर घूमते रहते हैं संध्या समय में, इसलिए सुना ना संध्या समय में चार काम नहीं करनी चाहिए, क्या क्या नहीं करनी चाहिए, हाँ इसलिए बोले ये चार काम नहीं करनी चाहिए। संध्या समय में अगर कोई खाएगा ना जिंदगी भर उसका पेट का रोग रहेगा, पेट रोग कभी उसको सही नहीं होगा। संध्या समय में और सवेरे समय में जो सोएगा उसके पास में कभी लक्ष्मी नहीं आएगी, लक्ष्मी घर से चली जाएगी। इसलिए पहले पहले माताएं क्या करती, सवेरे सवेरे उठ करके शाम का समय में दिया जलाती हैं, ठाकुर का सेवा करती हैं, सवेरे सवेरे उठ करके गीता भागवत पढ़ती हैं, सबके सब पाठ करती हैं, हैं इसलिए नियम है सवेरे ज़्यादा समय तक नहीं सोनी चाहिए, हैं जल्दी जल्दी उठ करके ठाकुर का आरती पूजा पाठ करने से घर में माँ लक्ष्मी की कृपा होती है। फिर संध्या समय में कहते पढ़नी नहीं चाहिए, अगर पढ़ेंगे तो सब भूल जाएंगे, हैं सबके सब पढ़ पड़े। और जो तीसरा काम है पति पत्नी की मिलन नहीं होनी चाहिए, फिर उसमें राक्षस जन्म ग्रहण करते, तब उन्होंने मना किया अभी इस समय मेरे साथ में मिलन मत करो। लेकिन वो इतने काम में मुक्त हो गई थी वो अपना काम को संभाल नहीं सकी, उसने जोर जबरदस्ती कश्यप जी से मिले। जब मिले इतने में कश्यप जी बोले दीति तुमने अच्छी काम नहीं किया, तुम्हारे पेट में राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे, हैं तुम्हारे पेट में राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे। जब उन्होंने इतना बात सुनी तो डर गए, गर्भ से बोले दो राक्षस, एक एक राक्षस नहीं कि दो दो राक्षस जन्म ग्रहण करेंगे, वो तो डर गए। डर करके उन्होंने बोले अब मेरे ऊपर में कृपा करो, मेरे अपराध हो गया, मैं कामातुर हो गई थी, अपना बुद्धि को मैंने संभाल नहीं सकी, अब मेरे अपराध दूर कर दो। इसलिए जब उन्होंने अपराध माफी मांगी बोले देखो बच्चे तो होएंगे लेकिन मैं इतना वरदान दूंगा तुम्हारे जो बच्चे हैं ना वो भगवान के हाथ में मरेंगे, लेकिन जब भगवान के हाथ में कोई मरते हैं उसका कहता हतारी गतिदाय, भगवान के हाथ से मरने से उनकी गति अच्छी गति मिलती है। लेकिन तुम्हारी बेटा तो होंगे दैत्य राक्षस होंगे, लेकिन जो तुम्हारी पोता होगा ना नातिना पोता पोता जो होगा वो परम वैष्णव श्री प्रह्लाद महाराज जन्म ग्रहण करेंगे। बोले श्री प्रह्लाद महाराज की जय। हाँ देखो और एक चीज समझो, कहते उन्होंने जब मिले दीति को साथ में उसमें और क्या गलती थी, कहते जो दीति और जो सती ये दो बहनी है दीति और हमारे श्री कहते ये दीति और हमारे श्री दीति और श्री सती है, ये सबके सब ये अपना आपस में बहन लगती हैं। जब बहन लगते हैं अभी ये दोनों को साथ में दो व्यक्ति शादी किए, एक सती को साथ में शंकर जी शादी हुई
और हमारे श्री द्वितीय को साथ में कश्यप जी, इसलिए वो आपस से दोनों दामाद है, दोनों दामाद, और वो दो बहनी है, द्वितीय अदिति भी बहनी है, और वो भी दो बहनी सती और द्वितीय दोनों बहन। जब दोनों बहन और इनके दोनों जब शादी हुई दोनों दामाद हो गए, जब दामाद हो गए संध्या का समय शंकर जी भूत पिशाचों को लेकर के अपना सबको लेकर घूमते भ्रमण करते, इसलिए उसी समय में जब उन्हें मिल रहे थे द्वितीय को साथ में, शंकर का समय, शंकर तो घूमते रहते हैं, इसलिए कम से कम शंकर जी को, शंकर जी से इनको थोड़ी सी लज्जित होनी चाहिए, हाँ शंकर जी से उन्होंने लज्जित होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने शंकर जी से कोई लज्जित नहीं किया, और मैंने उन्होंने बिना लज्जा को साथ में पत्नी को साथ में मिले, जब मिले कहते ये भी एक तरह का दोषणीय है, हाँ ये कहते हैं विश्वनाथ ठाकुर ये भी एक तरह का दोषणीय है, इसलिए उनको वरदान दिया। जब वरदान दिया यहाँ पर कह रहे हैं उन्होंने अपना गर्भ में जो कश्यप ऋषि का जो वीर्य को उन्होंने एक साल तक धारण किया अपना गर्भ में, एक साल नहीं उन्होंने 100 साल तक उन्होंने गर्भ में उन्होंने वीर्य को उन्होंने धारण किया। जब धारण किया लेकिन जब गर्भ में ये हिरण्यक हिरण्यकश्यप आए ना, इतने इनके अंदर पराक्रम, ये गर्भ में बैठी बैठी करके चंद्र सूर्य का जो प्रकाश को धीरे 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 उसको भी निस्तेज करने लगे, मतलब ये इतने भयानक ये थे, बैठ बैठ करके गर्भ में चंद्र सूर्य का तेज को निस्तेज करने लगे। अभी त्रिभुवन अंधकार हो गया, हाँ कहते चंद्र अगर सूर्य को अगर तेज को अगर निस्तेज करते क्या होगा, वो धीरे धीरे अंधकार जगत में अंधकार छा गया। अभी जितने देवता लोग थे ये सबके सब डर गए, डर करके उन्होंने ब्रह्मा जी के पास में गए और उन्होंने प्रार्थना किया प्रभु ये दोनों दैत्य अभी गर्भ में रहते रहते ये सारे चंद्र सूर्य का प्रकाश को अभी ये अभी भी उसको ग्रास कर रहे हैं, अभी क्या होगा बताओ। तब इसी समय में ब्रह्मा जी इनकी कथा सुनाए, बोले देखो ये जो दोनों है ना ये दोनों कोई साधारण नहीं है, ये दोनों रहने वाले वैकुंठ में हैं, ठाकुर जी के धाम में ये वैकुंठ में रहने वाले, कहते वैकुंठ की इतने महिमा है वहां का भक्त तो जय विजय थे इतना महिमा, कहते वैकुंठ के जो पशु पक्षी भी ये क्या करते हैं ये भी भगवान की गुणगान करते हैं, हैं कहते वहां भी पेड़ पौधा कहते ना वृंदावन के वृक्ष को मर्म ना जाने कोई डाल डाल और पात पात में श्री राधे राधे होई। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं जत गुल्म किकट मुखई, बोलो श्लोक समस्त ही तत्, इस श्लोक को याद कर लेना बहुत अच्छे श्लोक है। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं ब्रज का जितने कीड़े मकोड़े पशु पक्षी सांप ये सब के सब कृष्ण लीला की अनुकूल करने वाले, ये सब कृष्ण के गुणगान करते हैं सब के सब दिव्य, इसलिए कहते जो वैकुंठ के हैं वहाँ की पशु पक्षी भी भगवान की कीर्तन करते हैं भगवान की गुणगान करते हैं। इसलिए जो लोग भगवान की गुणगान करते हैं उसको क्या होता है उनको भगवत लोक की प्राप्ति होती है, और जो भगवान की कथा सुनते हैं देखो जो कथा सुन रहे हैं ना यहाँ पर कह रहे हैं जो भगवान की कथा सुनते हैं भगवान की कथा बोलते हैं उनको क्या कौन सा स्थान, उनको भगवान के धाम, क्योंकि भगवान की गुण महिमा को बोलते हैं और भगवान की गुण महिमा को सुनते हैं, उनका स्थान भगवत धाम है, ठाकुर की गुण महिमा को गाते हैं। लेकिन जो लोग ये चतुर्वर्ग को लेकर के धर्म अर्थ काम हम मोक्ष को लेकर के उसी में ही हैं डूब जाते हैं, कहते उनको क्या, बोले संसार में भ्रमण करेंगे माया में भ्रमण करेंगे, जो भगवान की कथा सुनेंगे बोलेंगे वो ठाकुर जी को पास में जाएंगे। तब उन्होंने कारण बताए ऐसे क्यों हुआ, बोले एक समय ये जो चतुसन पहले ये ब्रह्मज्ञानी थे हैं ब्रह्मज्ञानी थे, लेकिन एक दिन वैकुंठ से भगवान की चरण तुलसी चंदन की खुशबू वैकुंठ से बहते हुए ब्रह्मलोक में आए, और ये चतुसन की नासिका में प्रवेश करते ही ये एकदम उन्माद ग्रस्त हो गए, बोले पिताजी इतने सुंदर सुगंधि कहाँ से आ रहे हैं, बोले बेटा ये वैकुंठ से श्री नारायण के चरण तुलसी और चंदन की खुशबू, बोले जिनकी चरण की तुलसी चंदन की इतने खुशबू वो कितने खुशबू नहीं होंगे ये कितने अच्छे नहीं होंगे, बोले हाँ बेटे वो बड़े सुंदर है, बोले पिताजी एक बार उनको दर्शन करे, ब्रह्मा तो खुश हो गए, बोले क्यों, ब्रह्मा सोच रहे थे कहाँ मैंने ये बच्चों को जन्म दिया
इसलिए भगवान के प्रेम रस को पान करने के लिए देखो कितना दुर्भाग आए कि हर समय ध्यान में और अपना ब्रह्म चिंतन में डूबे रहते हैं। ब्रह्मा दुखी थे लेकिन देखा जब ये बोल रहे हम जाएंगे एक बार जाओ जाकर के प्रभु का दर्शन करो, तब उन्हें जब वैकुंठ गए जाते समय कि जब सात दरवाजा पार हो जाओ तभी भगवत दर्शन होगा। छह डोर तो पार हो गए कोई कुछ बोले नहीं, लेकिन जब सप्तम डोरी दरवाजा पर पहुंचे इतने में चतुर्थ हमारे जो जय और विजय इनको साथ में हंसी दिल किया। वे नंगे धड़ंगे हैं, शरीर में कपड़े है ही नहीं, अब पता नहीं ठाकुर जी अभी किसी स्थिति में ठाकुर जी होएंगे, कोई बोल चाल नहीं, बिना कुछ अंदर में बस बेधड़क घुसते जा रहे। इसलिए उन्होंने उनको साथ में हंसी दिल की और अपना जो छड़ी था ना छड़ी को उन्होंने बंद कर दी। अलबरी रुको तो सही, अभी ठाकुर जी को पूछ कर आए ठाकुर जी लक्ष्मी को साथ में, पता नहीं क्या कर रहे नहीं कर रहे। इतने में जो कर दिया ना जैसे सोए हुए सर्प को जैसे छेड़ दो है एकदम क्रोधित हो जाता है। चतुसन क्रोधित हो गए, बोली ये वैकुंठ है। वैकुंठ मतलब क्या? जहाँ पर कहीं कुंठा धर्म नहीं, बोले न जत रोग न जरा न मृत्यु, जहाँ पर रोग शोक दुख कष्ट भय है ये त्रिगुण से अतीत वैकुंठ धाम है, जहाँ पर काम क्रोध लोभ कुछ नहीं होता है। और हम जैसे ब्रह्म ज्ञान के लिए हैं रास्ता रोक रहे हो तो वैकुंठ में रहने का लायक है नहीं। जा मैं तुमको अभिशाप देता हूँ, तुम दोनों राक्षस जन्म में जाओ। जब इतना बोले इतने में दो चतुसर रोने लगे, जो रोने धोने इनके अंदर में जो तर्क वितर्क हो रहा था इतने में ठाकुर जी अपना लक्ष्मी को साथ में हैं, बोले क्या बात है दरवाजा में ये हई हल्ला क्यों हो रहा है। इसलिए उन्होंने अंदर से लक्ष्मी को साथ में आए। जब आए इतने में चतुसन उनको प्रणाम करते ही भगवान के चरण में जो तुलसी चंदन और कमल का खुशबू से एकदम उन्होंने उन्मादग्रस्त हो गए, एकदम उन्मादग्रस्त हो गए। जब उन्मादग्रस्त हो गए इतने में कहाँ चला गया, जब उन्मादग्रस्त हो गए तब उन्होंने बोले क्या क्या बात, बोले ऐसे ऐसे हो गया प्रभु जी। जय विजय रोने लगे, बोले प्रभु हमें अभिशाप दे दिया, बोले काम क्रोध लोभ मोह परिपूर्ण पापी ऐसी जोनी में तुमको जाना पड़ेगा राक्षस जन्म में, अभी हमारे क्या होगा हमारे उद्धार करो। तब ठाकुर जी हैं इतने में ठाकुर जी के चरण में चतुसन प्रणाम किया और उनने भगवान की जो चरण हैं भगवान के चरण की जो तुलसी चंदन और उनकी उनकी कमल खुशबू की खुशबू लेकर के उनने ब्रह्मानंद, पहले जो ब्रह्मानंद में डूबे हुए थे वो ब्रह्मानंद खत्म हो गया, अभी ये प्रेमानंद में प्रकट हो गया, उनका पुलक प्रकट हो गया, उनकी कथा में मग्न मुख्य पद हरि कथा। इसलिए कहते जो व्यक्ति हरि कथा में डूबे रहते हैं जिनका स्वभाव क्या है हर समय हरि कथा बोलते और हरि कथा सुनते हैं, कहते भैया नरक को भी नहीं करते, अगर उनका नरक भी हो जाए ना इसलिए कहते नरक भी हो जाए ना, कहते हम नरक नरक को हम नहीं डरते हैं। क्यों? भगवान की कथा बोलते सुनते हैं ना। अब देखो भगवान की कथा जो बोलते सुनते हैं जैसे यहाँ पर बैठ कर कथा सुन रहे हैं कथा बोल रहे हैं, अब देखो दुनिया के सब कुछ भूल जाते हैं। हमने देखा है, कुछ मंदिर में कुछ ऐसे भक्त है, मैंने देखते तो मंदिर में देखा भगवान की कथा में कोई मतलब नहीं, भगवान कीर्तन में कोई उनको मतलब कभी नहीं। मैं देखा दिन भर शरीर का बीमारी में दिन भर सोचते रहते कैसे कैसे खाएंगे, शरीर सही नहीं हो रहा है, हाँ शरीर में ये बीमारी, शरीर में ये, शरीर में ये, दिन भर हमने देखा केवल इसी केवल इसके चिंता के बगैर कुछ नहीं, और सारा दिन शरीर को चिंता करते हमने देखा। और कुछ वैष्णव को देखा शरीर में बहुत बीमारी है इधर उधर बीमारी, लेकिन वो हर समय क्या करते हैं भगवान का कीर्तन में भजन में भगवान की कथा में हर समय लगे रहते हैं। वो कहते हैं भैया मेरे शरीर में बीमारी का घर है लेकिन मैं हर समय क्या करता हूँ भगवान की कथा में भगवान का कीर्तन भजन में डुबा रहता हूँ, पता नहीं चलता शरीर में बीमारी होने पर मैं तो पता नहीं चलता है हमारे शरीर में बीमारी रोग हमें पता ही नहीं चलता है, है मेरे शरीर में एक महाराज थे बोले मेरे शरीर में बहुत बीमारी रोग है लेकिन चूंकि हर समय ठाकुर का कीर्तन करता हूँ कथा करता हूँ मेरे को पता ही नहीं चलता शरीर बीमारी। लेकिन जो लोग भगवान की कथा कीर्तन छोड़ करके केवल अपना शरीर शरीर में ये बीमारी ये बीमारी ये बीमारी शरीर में बैठी रहे भगवान की कीर्तन कथा में बताओ ना क्या होगा, क्या चिंता करेगी,
दिमाग कुछ ना कुछ चिंता करेगा तो क्या चिंता करेगा, फिर दिन भर शरीर बीमारी दुनिया की उल्टा पुल्टा चीज को चिंता नहीं करते। में क्या करो, कहते जो हर समय प्रभु की कथा कीर्तन में डूबे रहते हैं भैया, कहते नरक को भी वो भ्रुक्षेप नहीं करते हैं, बोले भले ही नरक नकाम तदप्य हम क्वचित नजत्र जुस्मा चरणाम भुजा सब, बोले हे प्रभु जहाँ पर तुम्हारी कथा नहीं कीर्तन नहीं तुम्हारी महोत्सव नहीं, कहते वो देवता लोग होने पर भी मैं नहीं चाहता हूँ, मैं तो वही चाहता हूँ जहाँ पर तुम्हारी कीर्तन भजन पूजा पाठ उत्सव, जैसे कल गुरु जी का उत्सव था दिन भर आगे कथा ठाकुर जी की माला अपने आप टूट करके, ठाकुर जी की माला अपने आप बलदेव प्रभु कृपा करके अपना माला भी दिया दिया। हरे कृष्णा, इसलिए यहाँ कहते हैं हैं? तब यहाँ पर ये बता रहे हैं भगवान स्वयं अपना भक्तों की महिमा को ठाकुर जी कहते हैं, बोले क्या कहते हैं, बोले जस्या मृतामल जस श्रवणा बगा। हाँ, ये जो श्लोक है ना, श्लोकों की यहाँ पर दो श्लोक बहुत अच्छा श्लोक है, ये श्लोकों को आप लोगों ने याद कर लेना। बोले जस्या अमृत अमल जस श्रवणा बगा, कहते भगवान की कथा कैसे, बोले अमल भगवान की कथा अमल जिसमें मल नहीं जिसमें अमृत है, कहते अवगाह जो हर समय भगवान की कथा रूपी अमृत में अवगाहन करते हैं, हर समय डूबते रहते हैं। सत्य अपनात जगदास्वर पचात पचात वैकुंठ, कहते भगवान की कथा में पवित्र कथा में जो हर समय उसमें डूबे रहते हैं उसमें क्या होता है, सो अहम भवद्भ्य उपलब्ध सुतीर्थ कीर्ति। भगवान की कथा कैसे कीर्ति कैसे है, कहते भगवान की जो कीर्ति है, कहते अद्भुत भगवान की कीर्ति है, कहते उसमें जो व्यक्ति हर समय जो भक्त मेरे डूबे रहते हैं, अगर भगवान देव कितना बड़ी बात कहते, अगर मेरे बाहु मतलब हाथ अगर कभी ऐसे भक्तों का विरोध में अगर मेरे हाथ भी कभी विरोध करे ना, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपना हाथ को भी मैंने काट डालूंगा। यही का श्लोक, इसलिए कहते हैं मैं अपना हाथ भी कभी ऐसे भक्तों का विरोध में चले जाए मैं अपना हाथ को भी मैं माफ नहीं करूंगा, मैं अपना हाथ को भी मैं काट डालूंगा। हैं, कहते तुम लोग मेरे भक्त हो, अगर तुम्हारी चरण में अपराध कौन किया, ये जय विजय ने अपराध की है, इसलिए हैं, इसलिए यहाँ पर कहते हैं और एक उदाहरण देकर बताए, बोले ममता विषय जय विजय कथा की अहंतास्पद निजर अंगो छेदन करिया था कि, समझ रहे हो, कहते जो ममता जो जय विजय तो भगवान की भक्त हैं, हैं, कहते उनका बात किया अपना अहंता मतलब अपना जो हाथ को भी भगवान माफ नहीं करते हैं, अपना हाथ को भी ठाकुर जी कहते हैं हाथ को भी मैं काट डालूंगा, मतलब है भगवान अपना भक्तों को इतने प्यार करते हैं, इसलिए कभी भी भक्तों का चरण में अपराध नहीं करनी चाहिए। इसलिए 10 तरह का अपराध का जो पहला अपराध है कि वैष्णव सताम निंदा, वैष्णव निंदा, इसलिए ठाकुर जी कहते हैं मैं अपना भक्तों का है अपराध कभी सहन नहीं कर सकता हूँ। उसके बाद में और एक श्लोक बहुत अच्छा श्लोक ये भी है, कहते भगवान कहते बोले ना अहम तथात्मी जजमान हबी हबी बिता ने स्वतद घृत प्लुत मदत भूखे न, तो श्लोक भी याद कर लेना। ये श्लोक में भगवान कह रहे हैं कहते जो निष्कामी जो ज्ञानी ब्राह्मण जो व्यक्ति सब कुछ करके ठाकुर जी के चरण में कर्म फल को अर्पण करते हैं, मतलब जो ऐसे ब्राह्मण हर समय भगवान की भक्ति करने वाले निष्काम रूप में सारे काम करके सारे कर्म फल ठाकुर जी की जो अर्पण करते हैं, कहते उनका जो प्रति ग्रास ग्रास में जो ऐसे जो ब्राह्मण है जो भजन करने वाले
कहते इनका जो प्रति ग्रास ग्रास में घृत प्रक पायसादी भोजन करे, हाँ समझ रहे ना, घृत पाक, हाँ घी के द्वारा बनाया हुआ जो पायस मतलब खीर, जब कोई ब्राह्मण ऐसे भक्त भोजन करते हैं, मैं कहाँ पर रहता हूँ, ब्राह्मण का हृदय में, संतों का हृदय में रहता हूँ। जब वो लोग भोजन करते हैं ना, हर ग्रास ग्रास में भोजन करते हैं, तो वैष्णव लोग ब्राह्मण लोग, लेकिन मैं संतुष्ट हो जाता हूँ। ठाकुर जी कहते हैं मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, कहते उनकी भोजन करने पर मैं जितने तृप्त होता हूँ, जैसे अग्नि में है, जैसे अग्नि में सुहा सुहा करते ना, अग्नि में देते हैं, उसको द्वारा मैं इतने संतुष्ट नहीं होता। पहले एक कहानी सुनाया था ना, कहानी सुना, कहानी को सुन लो। देखो बोले एक समय क्या हुआ, किसी राजा के वहाँ पर रोज रोज यज्ञ होता था। जब यज्ञ होता था, आप देखना कभी कभी खीर को है, कभी कभी खीर को लास्ट में इंद्राय सुहा वरुणाय सुहा करके ना उसको खीर को भी आहुति देते हैं यज्ञ में। एक समय क्या हुआ, बहुत बढ़िया खीर बनाया, दूध को गर्म करते 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 एकदम राबड़ी जैसे बनाया, और उसमें मिश्री घी डाल करके और बढ़िया खीर बनाए। जब खीर बनाए, अभी ये खीर को किसके लिए, यज्ञ के लिए खीर को बनाए थे। जब बनाए थे, अभी ब्राह्मण लोग तो मिष्टान्न प्रिय है, ब्राह्मणों को मीठा अच्छा लगता है, उनका स्वभाव है, उनको मीठा अच्छी लगती है। इसलिए अभी ब्राह्मण लोगों ने देखा, भैया इतने बढ़िया खीर बनाए, हाँ प्योर घी डाल करके मिश्री और दूध को राबड़ी जैसे बना करके एकदम बढ़िया खीर बनाए, और किसके लिए, यज्ञ में आहुत देने के लिए। उन लोगों ने क्या किया, बोले कुछ खीर हम लोग खा लेंगे इसलिए, और कुछ थोड़ी खीर को अग्नि में आहुत दे देंगे, और कुछ खीर को हम लोग खा। इसलिए उन्होंने क्या किया, कुछ खीर को उन्होंने अलग करके उन्हें रख दिया कुछ खीर तो खीर तो यज्ञ में दिया, लेकिन कुछ खीर को उन्हें रख करके भोजन समय उन्होंने उसको भोजन कर लिया। उसी रात को हैं ठाकुर जी राजा को स्वप्न दिया, बोले महाराज आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ, बहुत मैं संतुष्ट हूँ हैं, इसलिए आज मैं जितने संतुष्ट हूँ, जो जवन यज्ञ होता था उससे भी आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ। राजा बोले भैया आज जैसे यज्ञ किया, ठाकुर जी मेरे को स्वप्न दिया, आज जो यज्ञ उसमें बहुत मैं प्रीतम हूँ। इतने में राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, जब ब्राह्मण को बुलाया ना, अभी तो ब्राह्मण डर गए, देख ना जो चोर का मन पुलिस करता है, चोरी करता है ना, उसका मन पुलिस साथ पुलिस पकड़ ला। अभी उन्होंने जब राजा बुलाया, ब्राह्मण तो डर गए, भैया वो ना कुछ चुगली नहीं कर दिया, हमने खीर खाए कुछ चुगली तो नहीं कर दिया। इतने में क्योंकि जब उनको बुलाया गया, जो व्यक्ति ने बुलाया उसने कहा तुम लोगों ने ऐसे किया यज्ञ किया, राजा आपको पूछना चाहते यज्ञ कैसे किया, उनको लगा देख दिया खीर खा लिए, हो सकता है पीछे से ज्यादा से कोई चुगली कर दिया, आपने खीर खा लिया। वो तो डरते गए, तो इतने में राजा ने पूछा भैया तुम लोगों ने कल जो यज्ञ किया कैसे यज्ञ किया, और इतना सुनते ही वो पानी पानी हो गए, लगता है किसी ने बोल दिया यज्ञ के लिए जो खीर हमने खा लिया। राजा तो डर गए, बोले डरने का बात नहीं, बताओ तुम लोगों ने यज्ञ कल का यज्ञ तुमने कैसे किया है, हैं? बोले तब उन्होंने सीधा सीधा बोल दिया, बोले महाराज कल जो खीर बनाया था ना वो खीर बड़ी सुंदर था, हमने सोचा ये खीर को हम लोग थोड़ा ठाकुर को दे कर यज्ञ में हम थोड़ा खा क्यों नहीं ले, इसलिए हम लोगों ने कुछ खीर खा लिया, लगता कोई चुगली कर दिया, हमारा अपराध हो गया। हो बोले इसीलिए ठाकुर जी स्वप्न दिया तुमने, आज जो यज्ञ हुई ना ये यज्ञ में बहुत प्रसन्न, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे पहले का जो ब्राह्मण होते थे वास्तव रूप में ब्राह्मण होते थे, वो ऐसे नहीं ब्रह्मा गायत्री जप करने वाले सदाचार संपन्न होते थे, भगवान की भक्ति पूजा करने वाले ब्राह्मण होते थे, इसलिए ब्राह्मण लोगों ने प्रसाद पाए। इसलिए राजा बोले देखो तुम लोग के लिए रोज रोज आज से हम एक्स्ट्रा दूध लेंगे, और अलग तुम लोग के लिए खीर अलग हम बनाएंगे, तुम लोग ठाकुर को भोग लगा करके रोज इसको प्रसाद बना, और यज्ञ के लिए हम अलग हैं खीर बनाएंगे। इसलिए यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर ठाकुर जी स्वयं कहते हैं ऐसे जो ब्राह्मण जो सब कुछ ठाकुर जी के लिए अर्पण करते हैं ठाकुर जी के लिए, ऐसे ब्राह्मण जो भोजन करते हैं उनकी भोजन से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, हवन के द्वारा इतना मैं संतुष्ट नहीं होता हूँ। इसलिए भक्त भोजन करने पर वैष्णव हृदय सदा गोविंद विश्राम, हाँ वैष्णव हृदय सदा
गोविंद विश्राम और गोविंद कहे न मामा वैष्णव प्राण। भगवान कहते वैष्णव मेरे प्राण है और भक्तों का हृदय में, ब्राह्मण का हृदय में ठाकुर जी की निवास, ठाकुर जी के हृदय में ठाकुर जी का निवास है। इसलिए हाँ, इसलिए कहते भगवान स्वयं सभ्य होते हुए भी ठाकुर जी सभ्य, सभ्य मतलब क्या, दुनिया भी भगवान को सेवा करते हैं लेकिन भक्तों की इतने महिमा है, इतने महिमा भक्तों का, भक्ति में भगवान संतुष्ट होकर के क्या करते हैं, बोले भक्तों का पीछे 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 ठाकुर जी चलते हैं। बोले क्यों, बोले भक्तों का चरण धूलि पाने के लिए। कहते अनुब्रजामि अहम नित्यम पुये एत अग्रि रेणुभिः, भक्तों का चरण धूलि पाने के लिए भगवान कहते मैं स्वयं पीछे पीछे चलता हूँ, उनका चरण धूलि उड़ करके मेरे सर को पर पड़े और मैं भी धन्य हो जाऊँ। इतने भक्तों का अधीन भगवान, इतने अधीन भगवान। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं भैया वैकुंठ लोक से तो किसको पतन नहीं होता, कहते ना जत गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम। जो व्यक्ति एक बार भगवान का धाम को जाए कहते उनसे तो कभी पतन नहीं होता है। यहाँ प्रश्न होता है फिर जय विजय का पतन कैसे हो गया, और साक्षात भगवान का परिकर है और उन्हें तो कोई बुरा काम नहीं किया था ना, बिना पूछे कोई अंदर में जा रहे थे रोके तो अपना ड्यूटी को पालन किया है, फिर उनको वहां से गिरना क्यों पड़ा। तब यहाँ पर कह रहे हैं कि ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी की इच्छा है, हैं, और भक्तों की इच्छा, इन्होंने जान बूझ कर उन्होंने अभिशाप को ग्रहण किया। बोले क्यों, कहते जो भक्त, कहते जो सेवक है चार तरह का सेवक है, कितने तरह का है, कैसे कैसे, कहते एक है सेवक है उत्तम और एक मध्यम और एक कनिष्ठ और एक अधम, ये कहते ये चार तरह का सेवक है। कहते चार तरह का सेवक में सर्वश्रेष्ठ सेवक कौन है, सेवक हुए हैं जो कि इच्छा जान करके, इच्छा नहीं कभी तो, जो उत्तम सेवक गुरुदेव कहते थे, कहते जो व्यक्ति जोर जबरदस्ती हाँ आदेश को उल्लंघन करते हुए भी जो सेवा करते हैं, हाँ, जैसे गुरुदेव उदाहरण देते थे, गुरुदेव पहले उदाहरण दिया ना, जैसे पति ठंडी का समय में बाहर जा रहा है, पत्नी कह रही है देखो बाहर बहुत ठंडा पड़ रहा है, ये साल ले जाओ हैं और कुछ कुछ आपको मैं टिफिन में मैं पैकिंग कर कुछ सब्जी और कुछ रोटी दे देता हूँ, अगर कहीं भूख लग रहा तो खा लेना। पति मना कर रहे, बोले नहीं कोई ज़्यादा ठंडा की जरूरत नहीं, साल की जरूरत नहीं, लेकिन पत्नी जोर जबरदस्ती पैकिंग करके दे देती है और रोटी सब्जी हैं पैकिंग करके दे देती है, अगर भूख लग गया देर हो जाएगा तो उसको खा लेना, लेकिन पति तो मना कर रहा है, लेकिन पत्नी क्या करे जोर जबरदस्ती उसको दे दिया। अभी पति खुश होगा ना नाराज होगा, बता खुश होगा ना नाराज होगा, खुश हो जाएगा, खुश होगा, देखो मेरी पत्नी मेरे कितने प्यार करती है, मैं नहीं चाहने पर भी क्या किया मेरे को उसने जोर जबरदस्ती मेरे को दिया, मेरे को कितने प्रेम करती है ना। कहते गुरुदेव उदाहरण, बोले ये उत्तम सेवक है, नहीं चाहने पर भी उनकी उनकी अच्छे के लिए जो उनको देते हैं। दूसरे तरह का होता है जो मध्यम, जो मध्यम मध्यम सेवक कौन है, कहते इच्छा जान करके बोलने से पहले जो कर देता है, कहते ये मध्यम सेवक है, हाँ उनकी इच्छा जान करके बोलने का जरूरत नहीं। कहते तीसरे तरह का जो कनिष्ठ सेवक कौन है, बोले बोलने पर बड़े श्रद्धा पूर्वक, बोलने पर बड़े श्रद्धा पूर्वक आदेश को पालन करते हुए जो करते हैं वो कनिष्ठ है। कहते अधम कौन है, कहते बोलने पर भी जो नहीं करता है, बोलने पर भी बहाना बना करके जो नहीं करता है, कहते ये अधम है। कहते ये कौन, ये जय विजय कौन, ये उत्तम सेवक है, वैकुंठ में रहते हैं ना ठाकुर जी, उन्होंने अखिल रसामृत मूर्ति ठाकुर जी, सार रस का मूर्तिमान स्वरूप ठाकुर जी, अभी उन्होंने आनंद सज्जा में लेट लेट कर सोच रहे हैं, मैंने तो सारे रस का आस्वादन किया लेकिन अभी तक तो मैंने वीर रस का आस्वादन नहीं करा, वीर रस मतलब लड़ाई झगड़ा है इसलिए युद्ध, ये रस का आस्वादन नहीं कर पाया। ठाकुर जी सोच रहे हैं एक चिट्टी और हाथी से तो युद्ध नहीं हो सकता है, एक हाथी हाथी में युद्ध होना फिर पता चलता भैया कुछ हुई है, हैं इसलिए। और भगवान सोच रहे फिर दूसरे व्यक्ति को साथ में मेरी लीला नहीं हो सकता, लीला तो हमारे भक्तों को साथ में हो सकता है, इसलिए ठाकुर जी सो सो करके ये चीज को सोच रहे हैं। अभी जो उत्तम सेवक होते हैं ठाकुर जी का जो इच्छा है ना वो अपने आप उनका हृदय में प्रकाश होता है, ठाकुर की इच्छा को समझ लेते हैं, ठाकुर की इच्छा को,
वह समझ गए ठाकुर की इच्छा है अभी मैं वीर रस का आस्वादन करूं, इसलिए मैंने ठाकुर जी की इच्छा से चतुष्ण वहां पर आए और उन्होंने मैंने जान बूझ करके रास्ता को रोके और उनको उन्होंने अभिशाप प्रदान किया। और चतुष्ण ने फिर राक्षस बन करके आए, फिर तो ठाकुर को साथ में जो युद्ध किया ना, ठाकुर को एकदम छक्का छुड़ा दिए। इसलिए यहाँ पर वर्णन आता है, हाँ ठाकुर को भी छक्का छुड़ा दिए। यहाँ पर वर्णन आता है बोले जिस समय में ये हिरनाथ और हिरण्यकश्यप जन्म हुए, क्या प्रतापी, एक एक मुष्टि का घात में एकदम बड़े बड़े पहाड़ को चकना शुरू कर देते थे, इतने बलवान हुए, देवता को स्वर्ग से खदेड़ दिया देवताओं को। और बड़े बड़े वीर जिनको सुना जी ये बहुत बड़े वीर है, उनको पास में जाकर चुनौती मांगते थे आ जाओ युद्ध करने के लिए, सब डर के मारे भाग गए। क्योंकि जिस समय वो इतने पराक्रमी, इतने बड़े हुए, जो मुकुट पहनते थे मानो स्वर्गों को स्पर्श करता था उनका शरीर, इतने भयानक इनके रूप हुए। उन्होंने कुबेर के पास में गए, दो हाथ कर लो आ जाओ। बोले भैया हम तुम्हारे साथ में युद्ध नहीं कर सकते। बोले भैया कम से कम बोल भी तो सकते हो, कौन युद्ध कर सकते हैं। बोले अगर तुम्हारे साथ में कोई अगर युद्ध कर सकते हैं, ये केवल ठाकुर भगवान विष्णु ही तुम्हारी लायक जोता। बोले वो कहाँ रहते हैं। बोले अभी ये पृथ्वी को अभी जल में डूबा हुआ है, अभी ये पृथ्वी को वो उत्तोलन कर रहे हैं, पृथ्वी को वो उत्तोलन कर रहे हैं, इसलिए अभी वहीं पर मिलेगा। इतने में उन्होंने पानी के अंदर में जब गए, इतने में देखा ठाकुर जी के आगे सुअर है। बोले ये सुअर को साथ में युद्ध करूंगा, ये तो ग्राम सुअर है, ये सुअर को साथ में मैं क्या युद्ध करूंगा। लेकिन उनको देख करके ना बोले उनको तो पता नहीं चला ये सुअर कौन है, हैं ये स्वयं ठाकुर जी है, बराह अवतार धारण किए भगवान। बोले थोड़ी सी रुक जा, अभी ये पृथ्वी को मैं धूल पर स्थापना करता हूँ, फिर तेरे को दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। फिर उन्होंने पृथ्वी को ला करके अपना धूलि पर स्थापन किया। ठाकुर के साथ में ये हिरण्यकश्यप इतना बलवान था, उन्होंने गदा मारते मारते ऐसे मारे ठाकुर को, ऊपर में ठाकुर का हाथ से गदा छूट गया है, भगवान का सर नीचा हो गया। फिर इतना बलवान मेरे हाथ से गदे को अलग कर दिया, ठाकुर का सर नीचा हो गया। हिरण्यकश्यप कह रहा है क्या देख रहे हो, सर क्या नीचा कर खड़े, उठाओ गदा युद्ध कर, हैं भगवान को भी छक्का छुड़ा दिया उन्होंने। और फिर युद्ध हुई, युद्ध करते 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 जब ठीक शाम का समय आया, इतने में देवता बोले ठाकुर जी और ज्यादा खेलो मत इसके साथ में, और ज्यादा खेलना नहीं, क्योंकि रात होने से ये इनके जो आसुर की जो बल ये बढ़ जाएगा, फिर इनको जितना बड़ा कठिन है, इसलिए प्रभु और ज्यादा समय को मत देखा करो, जल्दी जल्दी उसको उद्धार करो। इसलिए कहते एखन लोक संहार कारिणी संध्या, अभिजीत नाम का मंगलमय समय है, इसलिए अभी जो समय अभिजीत मुहूर्त है, संध्या का समय है और मंगल समय है, ये उपयुक्त समय उनको बध करने का, इसलिए आप इसको बध कर। फिर ठाकुर जी क्या किए, फिर गदा घुमाते घुमाते उसका कान ऊपर में और मारे जोर से, ऐसे मारे वास वहीं पर उन्होंने गिर पड़ा, वहीं पर अपना प्राण को उसने छोड़ दिए। जब प्राण छोड़ दिए, इतने में जितने देवता लोग देख करके प्रसन्न हो गए, फिर भगवान को स्तुति करते ही कहते नमो नमस्ते खिल यज्ञ मंत्रे शिस्तो गृहीता मल सत्व मर्तये दृष्ट्वा हतो अयम जगता मरुतंत स्तत पाद भक्त्या बयमी सनिवृता। बोले भगवान को जय जयकार करते हुए हैं, बोले हे प्रभु आप समस्त यज्ञ का विस्तार करने वाले, लोक स्थिति के लिए शुद्ध सत्व मूर्ति धारण करने वाले, आपका हम पुनः पुनः नमस्कार करते हैं, हम लोग का बड़ा सौभाग्य है, जगत को ये जो पीड़ित कर रहा था आपने ये दैत्य को वध किया, हे प्रभु आपका चरण में हमारी भक्ति हो, आपकी जय जयकार हो और इस जगत में परम शांति लाभ, हम लोग ने परम शांति को प्राप्त किया। भगवान इन लोगों ने स्तुति किए और भगवान की आरती किया और भगवान बराहदेव वहां से फिर अपना नित्य धाम में चले गए। बस भगवान बराहदेव की जय।
इसलिए कहते जो जो हिरण्याक्ष पहले मैं बताया ना हिरण्याक्ष और एक हिरण्यकश्यप, इसका मतलब क्या है? हिरण्याक्ष मतलब जिनकी आंखों में हिरण, हिरण तो सोना, सोना में सारे कली का निवास है। हिरण्यकश्यप मतलब बिस्तरा, जिसकी बिस्तरा सोने की, मतलब क्या एकदम भोग बुद्धि। लेकिन अगर इसको कोई नाश कर सकते है, कौन कर सकते हैं? कहते भगवान श्री ब्रह्मदेव कर सकते हैं, हैं? और भगवान नरसिंह देव, ये दोनों ने, ये दोनों दैत्यों को मारे, मतलब इनकी कृपा से ही हमारी आंखों में जो हिरण्याक्ष है, हैं? जो आंखों में जो भोग की जो वासना बैठा हुआ है, ये ब्रह्मदेव का कृपा से ही जा सकता। और हमारे जितने इंद्रियों में ना सबसे अगर कोई हमें भ्रष्ट करने वाले भक्ति जगत में अगर सबसे कोई हमें भ्रष्ट करने वाली ये आंख है, ये आंख सबसे सबसे जड़ है। क्योंकि जितने आप भजन करने के लिए बैठे हो किस चीज की याद आता है? इन्हें आंखों में जो जो चीज देखे वही याद आते है ना, आंखों में जो चीज। इसलिए बिल्लो मंगल की आंख को फोड़ दी, बोले न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। कहा मैंने, हाँ कहा मैंने फटकारा खा करके भजन करने के लिए आया, और फिर ये आग क्या कर रहा है? फिर गलती चीज को देख करके फिर उसको पीछे ये भागना चाहते, इसलिए उन्होंने आंख को फोड़ दिया। इसलिए ये आंखों में गंदी चीज को, और विशेष करके जो मोबाइल है ना, ये सबसे ज्यादा गड़बड़ चीज है, ये सबसे ज्यादा कली है, हैं? अगर हमें भक्ति से कोई अगर चुत तो कोई कर सकता है, कौन? ये मोबाइल ही कर सकता है, हैं? इसलिए मोबाइल से साधु साधु सावधान। इसलिए मोबाइल में उल्टा पुल्टा चीज को है उसको मत देखा करो, नहीं तो भक्ति से पूरा खेच करके अपना माया में ये मोबाइल हमें फिर माया में लेकर के फिर डाल देगी। इसलिए हाँ, इसलिए इस चीज को सावधान, अपना पास में हो तो उसको सावधान से चीज को व्यवहार करो, केवल भक्ति के सिवाय और कोई चीज को इसमें नहीं देखनी चाहिए, ठीक है ना? बोले गौर दे। आज कथा कौन सुनाएगा? बोला श्री गुरुदेव जी की जय। कल की नहीं, कल की नहीं, पहले क्या?